सोलन में विश्वकर्मा पूजन दिवस पर कारीगरों द्वारा अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा अर्चना की गई। दीपावली के अगले दिन तकनीक के देवता विश्वकर्मा की पूजा का विशेष महत्व है। इस दिन कारीगर अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं व पूजा के बाद इन अस्त्र शस्त्रों से काम नहीं करते। इस अवसर पर विश्वकर्मा से मन्नत मांगते हैं और उनके हाथ का हुनर ऐसे ही बना रहे व कारीगर अपने कार्यों में परिपूर्ण होकर अच्छा रोजगार स्थापित कर सके। कारीगरों का कहना है कि विश्वकर्मा दिवस पर हम अपने अस्त्र शस्त्रों की पूजा करते हैं क्योंकि इन्हीं की वजह से हमारी रोजी रोटी चलती है। मेरा नाम कुणाल है और हम यहाँ देवघाट में जो है मैकेनिकल का काम करते हैं। आज विश्वकर्मा डे है, जो हमारे विश्वकर्मा भगवान है वो हमारे शिल्पकार के देवता हैं और आज के दिन अपने जो हमारे जो ये टूल है हम इसकी पूजा करते हैं क्योंकि इसी से जो है हमारी रोजी रोटी चलती है। तो पूरा साल हम इसी से करते हैं और इसी के आधार पर जो है हमारा कार्य चलता है और यही जो औजार है इसी से जो है हमारी पूरी रोजी रोटी चलती है पूरे साल की। मेरा नाम अनिल कुमार है जी, मैं मैकेनिक हूँ देवघाट सोलन में और जी हमने आज टूलों को साफ सफाई करके पूजा की है और इनकी वजह से हमारा रोजगार चलता है सारा। आज हमने इसलिए टूल डाल अपने पूजा करके विश्वकर्मा जी की पूजा करके। विश्वकर्मा जी को हम इसलिए मानते हैं कि टूलों के देवता हैं, इसीलिए हम विश्वकर्मा जी को पूजते हैं आज के दिन। पंजाब केसरी टीवी के लिए सोलन से नरेश पाल की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।